अभूतपूर्व डायवर्सिटी से भरा हुआ देश, जहां कहानियां हर कदम पर गूंजती हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर साउथ के सुनहरे बीचेस तक, वेस्ट में थार डेजर्ट की सुनहरी रेत से लेकर ईस्ट के हरे भरे टी गार्डन तक। ये एक ऐसा देश है जिसे वाइब्रेंट कल्चर्स, सदियों पुराने ट्रेडिशंस और यूनिटी के स्पिरिट से बुना गया है। हमारे फेस्टिवल्स जो लाइफ, कलर्स और हेरिटेज का जश्न मनाते हैं, दरअसल ये इसके 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज है। ये एक ऐसा देश है जहां हर सड़क एक नई कहानी कहती है और हर जर्नी एक नया चैप्टर लिखती है। ये एडवेंचर अपोलो के एड्यूमैक्स LTHD टायर्स की वर्सेटिलिटी और रोबस्टनेस को शोकेस करेगा। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक, आइकॉनिक लैंडमार्क से लेकर हिडन जेम्स तक, हम वादा करते हैं कि हम इस सफर के दौरान हर कदम पर आपको असली भारत से मिलवाएंगे। रंग बिरंगा पर एकजुट, ये है भारत, जोश से भरा हुआ हमारा नेशन। नमस्कार और स्वागत है आप सबका अपोलो टायर्स एंड CNBC आवाज प्रेजेंट भारत का सफर, इंडियाज एंड्यूमैक्स एक्सपेडिशन इन एसोसिएशन विद फर्स्ट पोस्ट में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जिसकी कहानी पहले कभी नहीं लिखी गई। 22,000 किलोमीटर का ये ऐतिहासिक सफर न सिर्फ हमारी हिम्मत को परखेगा बल्कि सेलिब्रेट करेगा इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, जहां हम इसके रिच लैंडस्केप्स और कल्चर्स से गुजरेंगे। ये एक्सपेडिशन जो अपोलो टायर्स और CNBC आवाज द्वारा पेश किया जा रहा है, इसका लक्ष्य है इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक नया रिकॉर्ड सेट करना, फॉर द लॉन्गेस्ट रोड जर्नी बाय अ पिकअप ट्रक ऑन अ सिंगल सेट ऑफ टायर्स। ये शानदार सफर एक वीडियो सीरीज में डॉक्यूमेंट किया जाएगा, हर पल को कैप्चर करते हुए फ्लैग ऑफ से लेकर फाइनल किलोमीटर तक। हर एपिसोड आपको भारत के दिल के करीब ले जाएगा, जहां आपको डाइवर्स लैंडस्केप्स, कल्चरल रिचनेस और हमारे ड्राइवर्स और अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स की रेजिलियंस देखने को मिलेगी। अपोलो टायर्स की इस एम्बिशियस जर्नी के बारे में ज्यादा जानने के लिए अब हम राजेश दाहिया, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विस एट अपोलो टायर्स से बात करेंगे। सबसे पहले, लॉन्गेस्ट रोड जर्नी बाय अ पिकअप ट्रक ऑन अ सिंगल सेट ऑफ व्हील्स, इस थॉट प्रोसेस के बारे में हमें बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया, व्हाट वाज द रीजन टू डू दिस? सी, हमारा क्या है कि अपोलो इज ऑलवेज नोन फॉर क्वालिटी टायर्स एंड इनोवेशन। तो जब ये एक आइडिया आया कि भाई ऐसा ही इवेंट हो रहा है, तो हम लोग लॉजिकल पार्टनर थे। तो हमारा बेसिकली इसमें मकसद क्या है कि पिकअप इज समथिंग विच इज रियली कमिंग अप, और हम लोगों ने अपने एक टायर में बहुत इनोवेशन किया है, एंड्यूमैक्स LDHT। ये टायर इंडस्ट्री का बेस्ट टायर है, तो ये प्रूव करने के लिए भी हमने इस जर्नी में ज्वाइन किया। तो ये जो टायर है, ये टायर जो जर्नी है उसके अंदर ये करीबन 30 से ज़्यादा स्टेट्स में, 100 से ज़्यादा सिटीज़ में एक उसी पिकअप ट्रक के अंदर सेम सेट के ऊपर टायर चलेगा, परफॉर्म करेगा, और ये ड्यूरेबिलिटी और जो बाकी टायर की परफॉर्मेंसेज हैं वो सारा दिखाएगा, ताकि रिकॉर्ड भी बने और कस्टमर को भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आए। तो हमने ये जर्नी इसलिए इसके साथ में ज्वाइन किया। राइट, और ये जो टायर है अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर, व्हाट मेक्स दिस टायर स्पेशल एंड सो इनोवेटिव, इसको ही क्यों चूज किया गया इस जर्नी के लिए? ये वाला जो टायर है, इन एनी केस यू नो अपोलो टायर ऑलवेज टेक्स प्राइड इन बीइंग द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एंड हाई ऑन क्वालिटी, बिकॉज हम लोग कोई भी जो टायर बनाते हैं उसमें इंडस्ट्री का बेस्ट क्वालिटी डालते हैं, वो हमारा प्रोसेस है। इस टायर की खासियत ये है कि इफ आई कैन सिंप्लीफाई, आई विल से इज अ 10-15-20 वाला टायर। तो व्हाट डज दैट, सो दिस टायर विल गिव यू 10% मोर फ्यूल एफिशिएंसी, इट विल गिव यू 15% ज़्यादा टायर की लाइफ, एंड इट विल गिव यू 20% मोर ड्यूरेबिलिटी। दिस इज व्हाट इट बिकम्स द टायर, देयर बाय इट एंड्स अप गिविंग यू सबसे सस्ती कॉस्ट पर किलोमीटर जो हम बोलते हैं वो फॉर द इंडस्ट्री। सो दिस टायर हैज 10-15-20 प्रिंसिपल व्हिच नो अदर कंपनी हैज गॉट, नो अदर टायर हैज गॉट इन दिस सेगमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई फाइनल मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस इनक्रेडिबल जर्नी को फॉलो करने वाले हैं, और उन दो ड्राइवर्स के लिए जो इस सफर पे निकल रहे हैं?
तो टायरों के बारे में कहा जाता है कि टायर माइलेज देते नहीं, टायर से माइलेज लेनी भी पड़ती है। जो ड्राइवर इसको चलाते हैं उनमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसको चलाने की, कैसे वो चला रहे हैं। तो पहला उनके लिए गुड लक टू देम, सो आई एम श्योर दे विल कम आउट सक्सेसफुल। दूसरा उन सब व्यूअर्स के लिए जो इसको देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ये जो जर्नी है ये पहले अटैम्प्ट नहीं हुई, ये पहली बार हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे व्यूअर्स इसको पार्टिसिपेट करें, उसको देखें एंड फाइनली अपने आप कन्विंस हों कि ये वाले जो टायर्स हैं, ये वाले टायर उनके लिए सूट करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करेंगे। सो गुड लक टू देम, गुड लक टू ऑल ऑफ अस एंड गुड लक टू द ड्राइवर्स। इस शानदार सफर की शुरुआत से पहले चलिए एक पल लेते हैं समझने के लिए वो रूट जिससे हम गुजरेंगे। नॉर्थ में हम कठिन रास्तों और पहाड़ी इलाकों से होते हुए जाएंगे, मैजेस्टिक हिमालयस टायर्स की ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। हम राजस्थान के सूखे इलाकों से भी होते हुए जाएंगे, जहां तेज गर्मी और रेत के टीले हमारे टायर्स की इंड्योरेंस को टेस्ट करेंगे। वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए हम गुजरात और महाराष्ट्र के रॉकी पाथ्स और कोस्टल रीजन से गुजरेंगे। यहाँ डाइवर्स टेरेन्स जो कोस्टल रोड से हिली एरियाज तक हैं, टायर्स की अडेप्टेबिलिटी और रोबस्टनेस को टेस्ट करेंगे। साउथ में हमारा सफर सीरीन कोस्टल प्लेन्स और ट्रॉपिकल क्लाइमेट से होते हुए गुजरेगा। हम केरला के बैक वाटर्स की ह्यूमिड कंडीशंस और तमिलनाडु के एग्रीकल्चरल हार्टलैंड्स की लश ग्रीनरी को एक्सपीरियंस करेंगे। ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हम असम के लश टी गार्डन्स और वेस्ट बंगाल के रोलिंग हिल्स से गुजरेंगे। घुमावदार पहाड़ी रास्तों और हरे भरे इलाकों से गुजरते हुए ईस्टर्न हिमालयस की खूबसूरती देखने लायक होगी। आखिर में सेंट्रल इंडिया में हम शहरों और गाँव के रास्तों से होते हुए जाएंगे, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छत्तीसगढ़ के शांत गांव तक। ये सफर टायर्स की वर्सटैलिटी को शोकेस करेगा और हम साफ सुथरे हाईवे से लेकर गाँव की कच्ची सड़कों तक हर रास्ते पर चलेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि अपोलो के एंडियोमैक्स LTHD टायर्स सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। रास्ते में हम भारत के कुछ खास GI टैग वाले प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन को सिग्निफाई करते हैं और उस लोकेशन की यूनिक क्वालिटीज और रेपुटेशन को होल्ड करते हैं। कश्मीर के पश्मीना शॉल्स से लेकर पंजाब के लाजवाब बासमती चावल तक, गुजरात की कच्छ एम्ब्रॉयडरी से लेकर केरला के फ्रेग्रेंट स्पाइसेस तक, हर प्रोडक्ट एक रीजन के कल्चर की एक खास कहानी बताता है। इस शानदार रिकॉर्ड को बनाने के पीछे के महत्व और गाइडलाइंस को और अच्छे से जानने के लिए हमारे साथ इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जाने माने जजेस मिस्टर नरविजय यादव और डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी प्रदीप जी, 22,000 किलोमीटर टफ टेरेन्स में एक ट्रक एक ही सेट ऑफ व्हील्स पे कवर करने जा रहा है, ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना ये क्या मायने रखता है? देखिए, टायर पर भारत का सफर मैं कह सकता हूँ, और 22,000 किलोमीटर का ये सफर अपने आप में यूनिक होने जा रहा है, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं। और इस तरह का रिकॉर्ड बनाना और उसको करके दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इस अचीवमेंट को दर्ज करने के लिए आज मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से यहाँ पर मौजूद हूँ, ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौजूद हूँ। और बड़ी खुशी की भी बात है कि मेरा भारत इस तरह के बड़े बड़े काम कर रहा है। आप लोग ये वेरीफाई कैसे करते हैं, किस तरह का एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और कब जाके ये डिसाइड होता है कि जी ये पूरी मुहिम कामयाब हुई? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। एविडेंस की बात होती है तो हम तीन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, टेस्टेड वैलिडेटेड एंड प्रूवन। देखिए, आज हम ऑन द स्पॉट हैं, टीम यहाँ से चलेगी, फ्लैग ऑफ होगा, इसको हम लोग बारीकी से इसके ऊपर नज़र रखेंगे। उसके कई माध्यम हैं, GPS कैमरा है हमारे पास में, अलग अलग वहाँ पर हमारी टीम्स होती हैं, अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, उनके जरिए भी हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये टीम वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची, पहुँची तो किस लोकेशन पे पहुँची, किस ऑल्टीट्यूड पे है, किस लैटीट्यूड के ऊपर है और कौन कौन उसके अंदर शामिल है। जब ये सारी चीज़ें एज ए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और फिजिकल फॉर्म में हमारे पास में आती है तो हमारी पूरी टीम इसको वेरीफाई करती है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सिमिलर ही रहता है प्रोसेस? हाँ, जैसे कि आज आते ही हमने ड्राइवर्स के साथ बात की और साथ में जो गाड़ी है, चूँकि रिकॉर्ड टायर का बनना है, टायर का एंड्योरेंस देखना है और एक ही सिंगल सेट टायर जो है वो पूरी जर्नी में यूज होना है, तो हर टायर का एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिटी होती है, वो हम चेक करेंगे, उसका एविडेंस हो गया। लास्ट में जब जर्नी एंड होगी तब भी देखेंगे
और बीच बीच में भी इसे चेक करेंगे। इस शानदार सफर में हम भारत के अलग अलग इलाकों की 7-8 मंडियों में भी जाएंगे। ये मंडियां भारत की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की जान है। यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है और आसपास के लोकल कल्चर का रंग भी देखने को मिलता है। इन मार्केटप्लेसेस को विजिट करके हम इन हब्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये कैसे फार्मर्स और कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ती हैं और रीजनल इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करती हैं। आइए अब मिलते हैं इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी के हीरोज से, हमारे डेडिकेटेड ड्राइवर्स पुनीत कुमार और मुन्ना। दोनों ही ड्राइवर्स बहुत अनुभवी और साहसी हैं और हर टेरेन के हिसाब से गाड़ी चलाने में माहिर हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सावधानी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। यही बातें हैं जो इन दोनों को इस मॉन्यूमेंटल टास्क के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स बनाती हैं। तो लीजिए, आ गया वो पल जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारे ड्राइवर्स मुन्ना और पुनीत इस एपिक जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले 22,000 किलोमीटर के सफर में हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, हर तरह के रास्तों से गुजरेंगे और अपोलो के एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स के इंड्योरेंस को परखेंगे।